शो ऑफ करके मीडिया में आकर बता रहे हैं कि हमें इतने चाहिए उतने चाहिए, उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट देने की ताईद ही नहीं की। किसकी बात कर रहे? जो हमारे अभी गिने चुने में एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी मौलाना है, उन्होंने कभी इलेक्शन कैंपेन के अंदर या कोई मीटिंग के अंदर कहीं कांग्रेस को वोट देने के लिए नहीं कहा। तो आज उनका क्या हक बनता है कि वो आकर कांग्रेस में 5 सीटें मांगने की डिमांड रखें? सबसे पहले जब बीजेपी हुकूमत थी उस वक्त पर अजीम साहब भी थे ना, उनके लिए कभी एमएलसी की ताईद की बात की या उनकी सपोर्ट कर उनको एमएलसी दिलाने की बात की, या दूसरे रोशन बेग साहब भी सीट मांग रहे थे, उनके लिए कभी भी जाकर उन्होंने सीट के लिए रिकमेंडेशन नहीं किया। आज किस बिना पर ये कांग्रेस के सीट या मिनिस्ट्री मांगने के हकदार हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। शाफी सादी पे आप नाराज क्यों हैं? वो तो 5 मिनिस्टर मांग रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो सुन्नी उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मांग रहे हैं, उसमें नाराजगी किस चीज को लेकर हो रही है? नाराजगी देखिए, कोई भी चीज शुरू करना है तो ए बी सी डी से शुरू कर जेड तक खत्म होता है, कोई चीज बीच में शुरू नहीं होती। हमारे पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सीनियर तनवीर सेठ 6 बार जीते हैं, जमीर साहब 5 बार जीते हैं, यानी हारिस साहब 4 बार जीते हैं, हमारे रहीम साहब 4 बार हैं, कनीस फातिमा 2 बार है, रिजवान साहब 2 बार है, ऐसे कई सारे कायदीन जो है पहली बार नहीं जीते, क्या इनका रिकॉर्ड है? ये लोग हैं, ये लोग बैठेंगे, ये लोग गुफ्तगू करेंगे, हमें एक चाहिए डीसीएम या 2 चाहिए, या हमें इतनी मिनिस्ट्री चाहिए, या हमें ये पोर्टफोलियो चाहिए, ये सब ये तय करेंगे। ये तय करने के बाद हाईकमांड से बात करेंगे। हमारी पार्टी ऐसा नहीं है कि किसी का हक नहीं देगी, सबका हक इक्वल देगी, इक्वल जस्टिस देगी, ये कांग्रेस की बुनियादी प्लेटफॉर्म है, तो ये जस्टिस करेगी। तो हम मांगने से पहले ये अपनी सीट बचाने के लिए ये सभी शो ऑफ ये नाटक कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस वाले इनको कंटिन्यू करें चेयरमैन, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनकी जो नॉमिनेशन है वो बीजेपी वालों ने बैकडोर से की है, तो इसको ख़त्म जैसे ही हुकूमत बनेगी ये अपने घर बिस्तर बोरिया बांधकर चले जाएंगे।